हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। अब तक मैंने लास्ट पीरियड में जो मैंने यहाँ तक मैंने रीड एंड लर्न हमने किया था, आज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। इमेजिन कुड हैड पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेरिंग। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ये पर्सन है वो क्या विदाउट बैंड किए बिना वो क्लासरूम में, यानी कि वो अपना सिर मुड़े बिना वो क्लासरूम में एंटर कर सकता है? नो, बिकॉज डोर ऑफ योर क्लासरूम इन 250 सेंटीमीटर हाई, यानी कि वो मुड़े बिना वहाँ से क्लासरूम में अंदर नहीं आ सकता। विल हीज हैड टच द रफ ऑफ योर हाउस इफ़ ही स्टैंड स्ट्रेट। तो वो क्या अपने जो आपके हाउस अपना हाउस है उसकी छत तक वो क्या सीधे खड़े रह सकता है? तो कि यस बिकॉज योर हाउस इज 300 सेंटीमीटर हाई। क्योंकि छत कितनी लंबी होती है? 300 सेंटीमीटर। तो वो स्ट्रेट खड़ा रहेगा तो वो उस वो छत से टच हो जाएगी। और उसकी हाइट कितनी है? 272 सेंटीमीटर। और जो छत की हाइट कितनी होती है? 300 सेंटीमीटर। तो वो छत से टच हो जाएगा। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। आपके फैमिली के बारे में कौन लॉन्ग है और कौन शॉर्ट है? हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। तो आपकी फैमिली में सबसे लंबा कौन है? तो मैंने लिखा है माय फादर। उसकी हाइट कितनी है? 175 सेंटीमीटर। हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली? तो के माय यंगर सिस्टर। उसकी हाइट कितनी है? 96 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स? तो आपको इन दोनों की जो डिफरेंस है वही लिखनी है यहाँ पे। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है 175 माइनस 96 सेंटीमीटर, तो आएगा 81 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज, इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट। कि स्कूल में जो इंटर स्पोर्ट मीट वो स्कूल रेस रखी है, तो रेस दिस इज़ अ 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। स्कूल में 100 मीटर की गर्ल्स की रेस रखी है। अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, सी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट। देखो यहाँ पे रेसिंग है, ये अरुंधति है, वो कितनी जो फिनिशिंग लाइन है वो उससे वो 6 मीटर, यहाँ पे लिखा है 6 मीटर वो दूर है फिनिशिंग लाइन से। बिहाइंड हर इज रिहाना, तो उसके पीछे है वो रिहाना है, अरुंधति के पीछे रिहाना है। कविता एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रिहाना, और जो ये कविता और उमा है वो रिहाना के बिहाइंड यानी कि उसके पीछे है। लुक एट द पिक्चर, तो आपको ये पिक्चर देखनी है और आपको गेस करनी है। टू आंसर द क्वेश्चन बिलो चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंस, तो आपको उसकी जो डिस्टेंस है वो चूज करनी है। तो देखो फर्स्ट उसका फर्स्ट है ए, हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति। तो रिहाना अरुंधति से कितनी दूर है? देखो ये फिनिशिंग लाइन से अरुंधति है तो वो 6 मीटर है, और अरुंधति और रिहाना के बीच में कितनी जो दूरी है तो कि इनकी हाफ है। देखो है हाफ, तो मैं ये उसकी कितनी है यानी कि 3 मीटर्स। तो ये है, मैंने यहाँ पे लिखा है 3 मीटर्स। हाउ फार अ हेड इज रिहाना फ्रॉम कविता एंड उमा। तो रिहाना रिहाना से कितनी दूर है उमा और कविता? तो ये 6 मीटर है,
और इनका आधा ये हाफ है, तो ये 3 मीटर दूर है। और जो रिहाना और उमा और कविता की जो फार है तो वो कितना दूर है, तो कि इतने देखो इतना लग रहा है, तो ये है 6 मीटर है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 6 मीटर, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है 6 मीटर। थर्ड है, हाउ फार आर कविता एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। तो कविता और उमा यहाँ पे है, तो वो फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है। तो देखो ये और ये यहाँ फिनिशिंग लाइन यहाँ पे है और उमा और कविता यहाँ पे है। तो देखो यहाँ फिनिशिंग लाइन से और अरुंधति से है 6 मीटर, फिर अरुंधति से रिहाना है 3 मीटर्स, एंड रिहाना से उमा और कविता की जो दूरी है वो 6 मीटर की है। तो हम यहाँ तक की जो दूरी है वो हम अच्छे से कर पाएंगे, ये 6 मीटर है, इसकी दूरी 3 मीटर से, अरुंधति से फिनिशिंग लाइन है 6 मीटर। तो इन तीनों को हमें प्लस करना है, 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 6 मीटर, तो इसका आंसर आएगा 6 प्लस 3 9 9 प्लस 6 15। तो मैंने इसका आंसर लिखा है 15 मीटर। हैव यू हियर अबाउट 1015 मीटर्स और 3000 मीटर रेस? तो आपने सुना होगा कि जो रेस होती है वो 1500 मीटर और 3000 की रेस होती है, आपको याद होगा। यू रिमेंबर डेट 100 मीटर्स मेक अ 1 किलोमीटर। तो 100 मीटर को हो वो कैसे लिखा जाता है, 1 किलोमीटर से लिखा जाता है, एंड जो 15 मीटर है वो उसको हाफ अ किलोमीटर लिखा जाता है। आपने जो क्लास थर्ड में आपने ये सब पढ़ लिया है, तो सो यू कैन से, तो आप क्या कहते हैं, इन अ 15 मीटर, सॉरी, इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन। तो वो कितना किलोमीटर रन किया होगा इन लोगों ने, तो कि 100, तो कि 1 किलोमीटर एंड वो प्लस 500, तो 500 का कितना है हाफ, तो 1.5 किलोमीटर वो रन किया है उन लोगों पीपल ने। इन अ 3000 मीटर रेस पीपल रन, तो 1 किलोमीटर में कितना, सॉरी, 1000 में 1 किलोमीटर होता है, तो 3000 में कितना होता है, तो कि 3 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट पेज, हैव यू हियर्ड अबाउट मैराथन रेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 14 किलोमीटर। आपने सुना होगा कि मैराथन रेस होती है वो कितने किलोमीटर की होती है, 40 किलोमीटर की होती है। तो पीपल रन मैराथन ऑन रोड, तो वो जो लोग मैराथन में दौड़ते हैं वो कहाँ पे दौड़ते हैं, रोड पे वो दौड़ते हैं। बिकॉज द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम, जो स्टेडियम होता है उसका ट्रैक कितना मीटर का होता है, 400 मीटर का है। रोड पे जो दौड़ी जाती है रेस मैराथन वो 40 किलोमीटर की होती है, पर यहाँ पे स्टेडियम दिया गया है, तो स्टेडियम में कितने मीटर की है, वो स्टेडियम है वो 400 मीटर की ही है, ओनली 4। तो 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू ब्लैंक्स किलोमीटर। देखो स्टेडियम ट्रैक है, ये स्टेडियम ट्रैक है वो 400 मीटर का ही है, तो वो 10 राउंड लगाएंगे तो कितना किलोमीटर होगा, तो 400 मीटर है इंटू 10 राउंड, तो कितना होगा ये, तो कि 4000 मीटर होगा। तो 1000 मीटर में क्या कितना किलोमीटर होता है, 1, तो 4000 में कितना किलोमीटर होगा, ये मीटर है तो हम उसको किलोमीटर में डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 4 किलोमीटर। सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक, तो यू विल हैव टू कंप्लीट ब्लैंक्स राउंड। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि मैराथन दौड़ है जो 40 किलोमीटर की है मैराथन दौड़, वो स्टेडियम में जो दौड़ा जाए, रन लगाया जाए, तो वो कितना राउंड लेना पड़ेगा, तो 14 किलोमीटर कवर होगा। तो
देखो 10 राउंड्स लगाए स्टेडियम ने, तो 4 किलोमीटर उसने रन किया, तो कितने राउंड करेंगे तो वो 40 किलोमीटर होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 10 राउंड लिया, 10 राउंड लिया तो कितना हुआ 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें ये राउंड ढूंढना है, ये मैं 14 किलोमीटर दिया गया है, तो 14 जो किलोमीटर हमें कवर करना है तो कितना राउंड लगेंगे। तो देखो ये और ये दोनों को हम डिवाइडेड कर मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, तो 4 40 × 10 इज इक्वल टू 4, 4 1 जा 4 कितना हुआ आंसर हमारा 100, सॉरी हाँ 100,000 राउंड हम लगाएंगे तो मैराथन दौड़ के जो 40 किलोमीटर है वो स्टेडियम ट्रैक में कवर हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक आज लर्न किया है, ये अपने होमवर्क में भी आपको अपने ये करना है, राइट करना है और लर्न भी करना है।